आज बन रही है कच्चे कोफ्तों की बिरयानी। ना सिर्फ कच्चे कोफ्ते बल्कि चावल भी कच्चे, और चावल फिर गले कैसे, इसके लिए तो वीडियो देखनी पड़ेगी। अस्सलाम-ओ-अलैकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। एक टेबलस्पून प्याज है, एक टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, फिर है जी ज़ीरा हाफ टी स्पून, और हाफ ही टी स्पून है गरम मसाला। इसके बाद है लाल मिर्ची और नमक जितनी जितनी आप खाते हैं। अच्छा, ये हम क्या बना रहे हैं, कोफ्ते बना रहे हैं, और कीमा जो है वो बारीक पिसा हुआ है, और कीमे को मैंने एक बार चट्टू में खूब अच्छी तरह कूट लिया है, उसके बाद उसमें सारे मसाले डाले हैं। ये है बेसन, जिसको तवे के ऊपर हल्की आंच पे आपने भूनना है जब तक कि ये ब्राउन ब्राउन हो जाए, ठीक है। आंच हल्की रखनी है, तेज़ आंच पे तो एक मिनट में ये ब्राउन नहीं बल्कि काला हो जाएगा। इसके बाद हम एक टेबलस्पून भर के कीमे में डालेंगे जो ऑलरेडी हमने मिक्सचर रेडी किया था। फिर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बना लेंगे छोटे छोटे कोफ्ते। एक गिलास चावल बना रही हूँ मैं, और उसके लिए देख रहे हैं आप तकरीबन 7 कोफ्ते बन गए हैं। अब इन कोफ्तों को 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। उस दौरान आप दही लेंगे और उसमें ब्राउन किया हुआ प्याज, एक कप दही है और एक मीडियम साइज़ का प्याज है दरमियाने साइज़ का, जिसको ब्राउन कर लिया, उसको ग्राइंड कर लें। अब ये गर्म मसाला देख लें आप, कड़ी पत्ता, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, दालचीनी, 2 लौंग हैं, 2 छोटी इलायचियाँ और ज़ीरा थोड़ा सा जो इसमें नहीं दिखाया मैंने। अच्छा, ये देखें, जायफल और जावित्री है थोड़ी थोड़ी सी, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कितना, ये जायफल का एक टुकड़ा है और जो ऑरेंज वाली है ना वो जावित्री है, उस तरह के 1, 2, 3 और 3 टुकड़े होंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा लेना, और बाकी डिपेंड करेगा आप कितनी क्वान्टिटी बना रहे हैं, फिर उस लिहाज से आप बढ़ा लीजिएगा। देगची में हमने गर्म मसाला डाला और उसके ऊपर से मैंने डाल दिया दही और प्याज का मिक्सचर जो ग्राइंड किया था, फिर उसमें सजा दिए कोफ्ते, और इसके ऊपर से डाल देंगे हम चावल जो कि मैंने भिगोए हुए थे आधे घंटे से, उसके ऊपर ज़रदा रंग डाल दिया, और ये जाएगा वो ऑयल जिसमें मैंने फ्राई किए थे ऑनियन, प्याज जिसमें ब्राउन किया था ना। अब इसको अच्छी तरह ढक्कन बंद कर देना है, ऊपर कोई वजनी चीज़ रख दें, किसी भी तरह इसको सील कर दें। अच्छा, 3-4 मिनट के लिए ना आँच तेज़ रखेंगे ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए देगची भी और सब। फिर उसके बाद हल्की आंच कर देंगे, और हल्की आंच पे इसको आराम से आप ना 20 मिनट 25 मिनट पकने देंगे, और उसके बाद आप इसको चेक कर लेंगे, थोड़ी कसर लगे तो और थोड़ा कवर कर दें, लेकिन खैर 20 मिनट में ये हो जाएगी। और ये देखें, वाह क्या बात है, चलें जी मज़े की बिरयानी रेडी। अब मैं इसको एक हाथ से नहीं मिक्स कर सकती सारी को, और हम मिक्स करें, मज़े के बाउल में निकालें, प्लेटर में निकालें, इंजॉय करें, मेहमानों को खिलाएं, हैरान करें उनको, और इस तरह की मज़े मज़े की और रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।